दाहोदी पुलिस ने 6 पिस्तौल और 20 जिंदा कारतूस के साथ गैरकानूनन हथियारों की तस्करी करती गैंग के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश से गुजरात में हथियार सप्लाई करती गैंग का पर्दाफाश किया गया। दाहोद जिला मध्य प्रदेश और राजस्थान सीमा पर स्थित है। ऐसे में सीमा पार से यहां पर शराब और अवैध हथियारों की गैरकानूनन तस्करी होती रहती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजरात में हथियार और शराब लाने के लिए सीमा का इस्तेमाल होता है। कल दोपहर एसओजी पुलिस ने कतवारा नजदीक गुलबार चौकड़ी से मध्य प्रदेश के दो शख्सों से 6 पिस्तौल और 20 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है और हथियार गुजरात में कहां पहुंचाने थे, किससे खरीदे हैं और इस हथियार की तस्करी में कौन कौन शामिल है, ऐसे कई सवालों के साथ पूछताछ का दौर शुरू किया। यह दोनों आरोपी पहले भी हथियार रखने के मामले में पकड़े जा चुके हैं। पुलिस जांच में बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। दाहोद जिल्लानी अंदर गैरकायदेसर रीते हथियारों घुसाड़वानो रेकेट जो चालतू है एनो पर्दाफाश से अमारी एसओजी टीम द्वारा करवामां आव्यो छे। जेमां एसओजी टीमे एमपी बॉर्डर परथी जे वाहन चेकिंग दरमियान 6 पिस्तौलो गैरकायदेसर रीते घुसाड़ता बे आरोपीओने झड़पी पाड्या छे। जे बंने आरोपीओ छे ए एमपीना छे। जे बंने आरोपीओनो गुनाहित इतिहास पण छे। तेओ एमपीनी अंदर भूतकाळनी अंदर पण આવી જ રીતે ગેરકાયદેસર હથિયારોની હેરફેરની અંદર પકડાયેલા છે। સર આ ગેંગમાં અન્ય બીજા કેટલા આરોપી સંડોવેલા? આ અત્યારે હાલ આ બે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। આ બંને આરોપીઓનો ગુનાહિત ઇતિહાસ, તેઓના મોબાઈલ ફોનના સીડીઆર વગેરે માહિતી પર આધારે આગળ વધુ તપાસ કરી અને આની અંદર ગુનાની અંદર જે કંઈ પણ આરોપીઓ સંડોવાયેલા હશે, આ રેકેટમાં જે લોકો સંડોવાયેલા છે, તેઓની સામે પણ કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે।